सिंपल सा, आप काफ़ी खूबसूरत है। अंदर चलते हैं सर, यहाँ पे सिटिंग है, बैठने का है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से पटना में हूँ, दीघा घाट पे, और आज मैं आया हूँ, सोचा कि थोड़ा सा घूम लिया जाए, तो घूमने की नीयत से मैं यहाँ पे आया हूँ दीघा घाट पे। आप देख रहे हैं ये स्टीमर, और चारों तरफ वहाँ पे अभी जो है ना बोट भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोट, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ का नज़ारा आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा घूमें, मज़ा लें, लेकिन इससे पहले मुझे टिकट लेना होगा। टिकट कैसे लेना होगा उसके बारे में बात करेंगे, और टिकट के पास से हम यहाँ पर चलेंगे। तो टिकट कहाँ मिलेगा इसके बारे में पता कर लेते हैं। टिकट कहाँ मिलेगा भैया इसका? कहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए टिकट काटने वाले, यानी कि बोट के पास ही। और टिकट का क्या रेट है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा है, आगे में स्टीमर भी चल रहा है, तो स्टीमर पे भी हम आपको बताएंगे कि कितना समय लगेगा घूमने में और क्या चार्जेस हैं। और ये बोट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भैया कितना चार्ज है भैया? 250 रुपये पर हेड सर। पर हेड 250 रुपये? कितने घंटा? 40 मिनट घुमाएगा सर। अंदर में 40 मिनट? कितना समय तक घुमाएगा, मतलब क्या टाइमिंग है उसका? सर टाइमिंग कुछ नहीं है, 20 पैसेंजर हो जाते हैं तो खोल देते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम 20 पैसेंजर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। तो 2 टिकट दे दीजिए, और इसी बोट पर हम लोग अंदर चलते हैं, ऊपर में थोड़ा सा घूमते हैं। क्या है, आज तक तो मैं घूमा नहीं सिप वगैरह में, लेकिन ये छोटा सा जो है ना, इस पर हम घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, देखेंगे क्या है, कैसा लग रहा है घूमने पे। और ये जो गंगा जी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक एकदम नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रहा है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में, ये है दीघा पुल जो है, इसी वे से हम लोग आए हुए हैं। और अंदर में वहाँ पर स्टीमर चल रहा, तो स्टीमर का भी कुछ चार्जेस हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टिकट ले लिए हैं, और अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रोसेस है जाने का, और यहाँ पे मैंने ले लिया। देखिए ये पोर्ट बनी हुई है, छोटा सा पोर्ट है अंदर। यहाँ पे देखिए सिप जो है वो रुकने के लिए बनी हुई है, और सिंपल सा, काफ़ी खूबसूरत है। अंदर चलते हैं, साथ में मेरे साथ एक जन और है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम छोटे से मिनी जहाज़ पे हैं, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे। यहाँ पे आपको स्टॉल मिल जाता है, यहाँ पे आप कुरकुरे लेस जो भी है, ठंडा वंडा आप ले सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। अंदर यहाँ पे सिटिंग है, बैठने का है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ बैठने के बाद सर जी नीचे यहाँ बैठने के लिए है ना, ये वॉशरूम है, बाथरूम है, यहाँ पर पानी जो है वो पीने के लिए है। वॉशरूम बाथरूम यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, शीशा लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ऊपर में भी काफ़ी सेफ्टी जैकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, सेफ्टी जैकेट, हर एक चीज़ बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा है। तो ये नीचे का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े से कोई जनरेटर है, यहाँ भी मशीन रूम है जहाँ से संचालित किया जाता है, अंदर में आप देखेंगे। और यहाँ पर 2 जनरेटर ऊपर में ऊपर चलने का है, तो ऊपर में हम फ्रंट से चलेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग सिप पे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ऊपर में जाएंगे अभी हम, और चारों तरफ तो आप लोगों ने देखा ही कितना प्यारा लग रहा है। अब बैक कैमरे से ऊपर में चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का ऊपर का नज़ारा, ऊपर से कैसा दिखता है। और साथ में ये सिप जो है ना, ये पूरे पटना में अभी सबसे बड़ी सिप है यहाँ पर। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर में, ऊपर में चल लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोग ऊपर में आ गए, ये मशीन रूम है, यहाँ पे आप देखेंगे मशीन रूम है, यहाँ पे संचालित होती है मशीन, और ऊपर में यहाँ पे लोग जो है वो घूमेंगे फिरेंगे। ये मशीन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन, और थोड़े समय के बाद ऊपर में भी है रास्ता जाने का, यहाँ पे मशीन से, यहाँ तो खैर लॉक है, बट यहीं से सारी प्रोसेस होती है, यहीं से चलाया जाता मशीन, जो शिप है इस यहीं से हैंडल किया जाता है, ठीक है। साइड में यहाँ पे चलते हैं, दो ऊपर में यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी रखे हुए हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। अंदर में वहाँ आप देख सकते हैं दूर, यहाँ पे छोटे से जो है ना वो क्या कहते हैं, बोट चल रही है उधर भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स बोट भी चलेगी, जैसा कि आपको मैं दिखाऊँ। ये ऊपर का है, इसके ऊपर हम चलते हैं, बैठने का काफ़ी बेहतरीन
इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चारों तरफ जो है लोग यहाँ पे बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और आपको हम बता दें कि अभी तो शिप चल नहीं रही है, बट थोड़ी देर बाद यहाँ पे चालू हो जाएगा शिप। यहाँ पे आप देखिए, यही घाट है, ठीक है, दीघा घाट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है अटल पथ LCTR घाट गांधी मैदान दीदारगंज को जाती है। और यहाँ पे ये रास्ता है आने का, यही रास्ता। आप यहाँ आएंगे तो आप बड़े शिप पे यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे मौज मस्ती कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये पटना की खूबसूरती जो कि अभी देखने को मिल रही है, कितना खूबसूरत अभी पटना लग रहा है। यहाँ पे बोट के माध्यम से जो भी बोट संचालन करने वाले चलाने वाले हैं वो मस्ती कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी मस्ती भरा समय है। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये लोग कर्तव्य दिखा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आपको मैं बता दूँ कि काफ़ी प्यारा यहाँ का लोकेशन है, नज़ारा है, जैसा कि। और अभी साउंड भी बज रहा है, आपको मैं बता दूँ कि साउंड है तो यूट्यूब पे कॉपीराइट का दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ जो है ना वो मशीन है, इसी मशीन से यह चलाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहीं से इसको हैंडल किया जाता है। और बीच में यहाँ दूर दूर तक, ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार यहाँ का भी माहौल है। और चल भी रहा जो कि हम लोग अभी जिस शिप पे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 40 मिनट हम लोग बोट में रहे हैं और यहाँ पे 250 रुपये पे करने हुए हैं। काफ़ी मज़ा आया, फुल एंटरटेनमेंट रहा, पैसा वसूल था। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह बहुत सही हैं और बहुत अच्छा लगा है। तो दूसरा जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।